आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप लोगों ने विषय को देखा ही है कि ये जो विषय है ये दूसरा भाग है जो हमने पहले किया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्क्रीन जो है वो आप सभी को विजिबल होगी। ये जो पार्ट टू है सॉल्विंग द इक्वेशन, और हमने इस पे पिछली बार जो चर्चा की थी और समझने का प्रयास किया था उसमें से बहुत कुछ अभी ऐसा रह गया था जिससे मुझे संतोष नहीं था, और फिर मुझे लगा कि चलिए इसका दूसरा भाग हम प्रयास करते हैं कि हमारी समझ कितनी बनती है। इससे पहले कि मैं इस विषय को जो अपनी जानकारी है और जो मुख्य वक्ता है उनसे आपका परिचय करवाऊं, एक प्रश्न मैं आप सभी के लिए रख रहा हूं, और यदि कोई मुझे अंदाजा भी दे सके तो अच्छा होगा कि 24 घंटे में हम में से प्रत्येक व्यक्ति लगभग अंदाजन कितने शब्दों का प्रयोग करता होगा। अगर उसमें से रिपीट किए जाने वाले, दोहराए जाने वाले शब्दों को हम छोड़ दें, या कुल मिलाकर के हम कितने शब्द प्रयोग करते होंगे। सारा दिन भाषा बोलते हैं, 24 घंटे में से कम से कम 10-12 घंटे, 14 घंटे तो हम बोलते ही हैं। उस 12-14 घंटे में हम कितने शब्दों का अनुमानतः प्रयोग करते होंगे, और कितने उनमें से ऐसे शब्द हैं जिनको हम दोहराते हैं। एक मोटा सा अंदाजा कोई आप में से अगर मुझे दे सके तो फिर आगे की बात करने में आसानी हो सकती है। कोई भी मुझे बता सकता है एक रफ आइडिया? प्लीज स्क्रीन शेयर मत कीजिएगा आप लोग। मुझे लगता है कि 35-40-50 शब्दों से ज्यादा हम अपनी दैनिक चर्या जो है, दिनचर्या जो है, उससे ज्यादा हम उसको प्रयोग में नहीं लाते, और उसी को घुमा करके, उन्हीं 40-50 शब्दों को घुमा फिरा करके हम सारे के सारा अपना दैनिक व्यवहार चलाते हैं। और अगर आपको इससे ज्यादा लगता है कि इससे ज्यादा आप शब्दों का दिन भर में प्रयोग करते हैं अपने बातचीत में, पढ़ाने में या और सभी चीजों को मिला करके, तो भी आप उसकी संख्या कितनी बढ़ा सकते हैं, ये एक विचार की बात है। और जितनी हमारे पास विचार हैं, क्या उतनी ही ज्ञान हमारे पास है, या वो जितना ज्ञान है उसके अनुकूल हमारे पास शब्द हैं? तो ये एक जो समस्या हमारे सामने रहेगी, और वो समस्या मैं आपको इस जो टॉपिक है उसके संदर्भ में आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब सॉल्विंग द इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं तो कृपया ध्यान दीजिए कि लैंग्वेज प्लस और माइनस और इक्वल टू नॉलेज जब किया है तो उसका मतलब क्या है कि शब्द यहाँ पे प्रयोग किए हैं जो पिछली बार भी किए थे। और कई बार वेबिनार्स को हम इसलिए भी करते हैं कि हमारा संस्कार होता रहे, जो हमने जाना होता है उसके ऊपर कई बार धूल जम जाती है, प्रमाद की भी जम जाती है, या जिज्ञासाहीनता की भी धूल सी जो परत जम जाती है उसको साफ करने का ये वेबिनार जो है वो एक प्रकार का माध्यम बन जाते हैं। वो हमारा संस्कार करते रहते हैं कि जब भी राख पड़े तो उसको ऊपर फूंक मार के उसको हटा दिया जाए। तो ये जो तीन आप साइंस देख रहे हैं लैंग्वेज और नॉलेज के बीच में, एक का मतलब है कि क्या भाषा और ज्ञान का संबंध अतिव्याप्ति से पीड़ित है, प्लस का मतलब है अतिव्याप्ति, कि जितनी अपेक्षित है क्या ज्ञान से अधिक है, या भाषा हमारे पास अधिक है और ज्ञान कम है, किस तरह का संबंध। दूसरा जो माइनस का चिन्ह है उसको हम संस्कृत परंपरा में या अपने भारतीय परंपरा में अव्याप्ति कहते हैं, कि दोनों ही पूरक नहीं पड़ते, भाषा ज्ञान के लिए पूरक पड़ती है और ना ही ज्ञान भाषा के लिए पूरक पड़ता है। तीसरी जो आइडियल सिचुएशन क्या है कि जहाँ पर जितनी हमें भाषा आती है और उतना ही हमारे पास ज्ञान है, अगर ये संबंध किसी मनुष्य में पूर्ण रूप से सफल है तो मुझे लगता है कि वो आगे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है पार्ट टू से पहले, वो शायद वेलबींग या कल्याण या मंगल, जो भी आप उसको शब्द देना चाहें, वो भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि उससे क्या होगा या उससे क्या होता है। यदि लैंग्वेज और नॉलेज ये बिल्कुल इक्वलेंस में आ जाते हैं तो फिर उसका आगे परिणाम क्या है, ये एक विचार करने की बात है।
कृपया बीच में अपने को म्यूट रखिए, डिस्टर्ब करेंगे तो वो विचार जो है वो हाथ में नहीं आएगा, केवल भाषा वो रह जाएगी खोखली और विचार निकल जाएगा। नीचे स्लाइड की ओर देखिए जल्दी से, मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता आप लोगों का। सामान्य रूप से भाषा को हम यही पढ़ते और पढ़ाते हैं, मीन्स ऑफ कोडिंग इंफॉर्मेशन, और फिर इंफॉर्मेशन कोडिंग में महत्वपूर्ण बात है कि हाउ मच, वेयर एंड हाउ। अब इस चीज को आप चाहे न्याय की दृष्टि से देखें, चाहे व्याकरण की दृष्टि से देखें, या साहित्य शास्त्र की दृष्टि से देखें, तो कई प्रकार के उत्तर इसके हो सकते हैं। और अंतिम जो बात है ब्रेविटी टू अचीव जनरलाइजेशन, ये भी एक इसका तीसरा पक्ष है जिस लैंग्वेज को हम, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सामान्य रूप से ये आपके सामने चीज जो आप स्क्रीन देख रहे हैं कि ट्री को हम कोडिफाई करते हैं और जो श्रोता होता है वो डी कोडिफाई करता है। ये बड़ा सरल सा हमें लगता है कि ये बड़ा सरल संबंध है, इसमें विशेष क्या है। लेकिन एक ही वस्तु को जब आप देखने लगते हैं और वो विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न दिखाई देने लगती है, तो ये समस्या जो है भाषा और ज्ञान की समस्या खड़ी होने लगती है। जो हम समस्या देख रहे हैं वो समस्या यही है कि जो हम कह रहे हैं दूसरा उसको कुछ और समझ रहा है, और जो वो समझ रहा है वो हम नहीं चाहते। और इसीलिए हमें ये शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं कि भाई मैं ये नहीं कहना चाहता था, जो तुम समझ रहे हो वो ऐसा नहीं है जैसा मैं कह रहा हूँ। तो कितनी मजबूरी सी मनुष्यता की लगती है कि इतने हजारों साल की मेहनत के बाद विकसित की हुई भाषा और विकास की अपनी चरम सीमाओं पर पहुंचने पर भी मनुष्य मनुष्य से सही संवाद नहीं कर पाता, और ये एक बहुत बड़े एक त्रासदी हमारे सामने है। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि ये विषय उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एक हमने पिछली बार भी चर्चा की, चर्चा में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉलेज क्या था? कि इंडिविजुअल नॉलेज की जहां तक बात है, कृपया आप पीछे अपना स्क्रीन, क्योंकि मैं आप सबको नहीं देख पा रहा हूं, तो प्लीज मेरा निवेदन है कि अपने माइक को म्यूट रखें, डिस्टर्बेंस होती है और ये रिकॉर्डिंग में जाएगा सारा शोर, सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि कृपया अपने को म्यूट करिए। पिछली बार भी हमने ये एक समस्या को देखा था, लेकिन इसके इस पे चर्चा नहीं हो पाई थी, और मैं आज भी चाहूंगा कि मुख्य वक्ता के भाषण के बाद यदि इस पे किसी के कोई कमेंट्स हो तो वो जरूर बताएं। जहां तक इंडिविजुअल नॉवल नॉलेज की बात है, तो एक व्यक्ति का ज्ञान और जो बी व्यक्ति का ज्ञान है दोनों ठीक है अपने आप में, लेकिन जैसे ही ए दूसरी तरफ आप देखें कि ए को जब दो ज्ञान होते हैं, दो ज्ञान क्या है कि एक तो उसे वस्तु का ज्ञान है और दूसरा उसे बी के विषय में ज्ञान है, कि बी को भी एक वस्तु का ज्ञान है जिस वस्तु को मैं जानता हूं। और वही जो केस है वो क्या है, बी को ये ज्ञान है, वस्तु का भी ज्ञान है और वस्तु के साथ दूसरे व्यक्ति के भी ज्ञान के बारे में ज्ञान है कि उसको इस वस्तु का ज्ञान है और उसको ये भी पता है कि मुझे उसके बारे में पता है, मुझे उसके बारे में ज्ञान है। यहां से एक बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी मिस्टीरियस सी ज्ञान की समस्या शुरू होती है। तो इस समस्या पर यदि आप लोगों की कोई टिप्पणी होगी तो मैं जरूर चाहूंगा। और आज के मुख्य वक्ता का मैं बहुत संक्षेप में परिचय करवा रहा हूं। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं दर्शन विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, उनका बहुत लंबा जो है वो कार्यकाल रहा है पठन पाठन का, पठन और पाठन तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति का बड़ा लंबा उनका कार्यकाल रहा है। और उसके अतिरिक्त उनकी जो रुचि हमेशा पठन में रही है, और विशेष रूप से तंत्र न्याय आदि ये जो भारतीय परंपरा है उसमें उनकी विशेष विद्या उनकी है, विशेष उनका ज्ञान है और विशेष उस पर अधिकार है। तो आज उनसे हम इन सारे विषयों के ऊपर जो है वो चर्चा सुनेंगे। लेकिन उससे पूर्व कि मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूं कि वो हमारे साथ ये बात करें, जो पिछली बार हमने कुछ बातें की थी उनको भी मैं एक बार आपके साथ जल्दी से अगले 2-3 मिनट में दोहरा लेना चाहूंगा, क्योंकि आप में से जो लोग हमारे साथ पहले भी जुड़े हुए थे पिछले बार,
उनको हो जाएगा कि हमने क्या चर्चा की थी। हम जानते हैं कि ज्ञान जो है वो चार प्रकार से हमें उपलब्ध होता है, प्रत्यक्ष से, परसेप्शन से, कंपैरिजन से, इन्फ्रेंस और रिलायबल सोर्सेस, इनसे होता है। और दुनिया भर में लगभग 3000 से ज्यादा भाषण हैं, ये मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। एक चीज हमने और देखी थी, ध्यान दीजिएगा इस तरफ, कि जो भारतीय भाषाएं हैं विशेष संस्कृत जो है वो अहम से शुरू होती है और अस्मि पे समाप्त होती है, और जितनी जितनी भी अन्य वस्तुएं हैं, जितने भी विभिन्न पदार्थ हैं, उनको आप इस अहम और अस्मि के बीच में ले लेते हैं, यानी कि एक पूर्णता का भाव बेसिकली अंडरकरंट के रूप में आप संस्कृत में देखते हैं। यहाँ पर आप भेद नहीं कर सकते, क्योंकि अहम और अस्मि में वस्तुता कोई भेद नहीं है, औपचारिक भेद है, और इसके बीच में ही सारे का सारा ज्ञान, सारे का सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अंग्रेजी या यूरोपियन लैंग्वेजेस को देखते हैं तो वो आई एम से शुरू होती हैं और बाकी सारी चीजें अलग हो जाती हैं। आई एम का मतलब क्या है कि मैं पहले हूँ और बाकी सारी की सारी स्थितियां क्या हैं, बाकी शेष सारी दुनिया अलग है, वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। अब संस्कृत में आप देखिए कि ऑब्जेक्ट को बनाना बड़ा कठिन विषय है। अब इस ज्ञान के साथ जुड़ी हुई दो चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तरफ है आपका बंधन और दूसरी तरफ है आपका फ्रीडम। ज्ञान से आप क्या चाहते हैं कि मुझे बंधन से मुक्ति मिले। ज्ञान का ये एक परिणाम हम सब सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं कि बंधन से मुक्ति होगी, लेकिन जिसकी मुक्ति होगी वो मुक्ति का क्या करे, ये कभी किसी ने सोचा कि मुक्ति का करना क्या है या मुक्ति लेकर फिर क्या होगा। आप इसको दो तरह से ले सकते हैं, इस फ्रीडम को भी, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में जो फ्रीडम है, उस फ्रीडम के मिल जाने पर आप क्या करते हैं, और नंबर दो, अगर वो आपको सांस्कृतिक दृष्टि से स्वतंत्रता मिलती है तो फिर उसका आप क्या करते हैं, उस दृष्टि से भी क्या करते हैं आप। फिर दूसरा एक और ज्ञान के साथ जुड़ा संबंध इसके साथ जुड़ा हुआ है। एवोल्यूशन में क्या है कि एवोल्यूशन तब होती है कि जब आप कॉन्शियस चॉइस करने के योग्य होते हैं। कॉन्शियस चॉइस का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि आप क्या चुने और क्या ना चुने, आप अपने दृष्टि से अपने आवश्यक चॉइस करते हैं। दूसरी तरफ कंपल्सिव चॉइस है जो एनिमल लेवल पे रहती है, जिसपे हम सामान्य रूप से रहते हैं, और कंपल्सिव चॉइस का ये भी एक पक्ष है कि हमें कंडीशनड कर दिया गया है चुनाव करने नमक डाला क्या? लेकिन हम मान लेते हैं कि हाँ कि भाई हम चुनाव कर रहे हैं। ये एक प्रजातंत्र का, सरकार चुनने का, चीजों को चुनने का एक बड़ा भारी भ्रम है। हम वस्तुतः चुन नहीं रहे होते हैं, वो हम कंडीशनिंग के कारण चुनाव का एक आभास मात्र हम ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं अभी अपना वक्तव्य यहीं पे रोकूंगा और कुछ बातें मैं मुख्य वक्ता के वक्तव्य के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कि और भी हमारे सामने कई पक्ष हैं जिनको मुझे लगता है कि सभी को लेना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इन सब शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को, कि वो सारे विषय को वो कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ मैं उनसे ये भी कि इस विषय को वो इस बात को ध्यान में मेरे टेबल पे जा रहा हूं आपके साथ चर्चा करें कि हमला अलग अलग प्रकार के विषयों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत हद तक ऐसे भी लोग हैं जिनकी पिछली पृष्ठभूमि संस्कृत की नहीं होगी। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि अगले 35-40 मिनट में अपना वक्तव्य हमारे साथ रखें, और फिर उसके बाद हम उस विषय पे चर्चाएं आरंभ करेंगे और देखते हैं कि आज हम किस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और हम क्या समझ पाते हैं और हमारे ज्ञान की सीमा कितनी बढ़ती है, कितनी दृष्टि का हमारा विकास होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, आ ब्रह्मांड पिपिलिकांत तनुभेत् सुदृम्भमाणास्फुटं जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति भाषकतया सर्वत्रया दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्री राजराजेश्वरी
श्री विद्या करुणा निधि सुखकरी भूया सदा श्रेयसे। आज के इस कार्यक्रम में जो भी उपस्थित हैं विद्वत वर्ग, उन सबसे मैं पहले अपना प्रणाम करता हूं और कुछ बातें में जो आज दिन उठाई है उनमें कुछ बातों पर मैं अपना मत जो है वो रखूंगा। इनकी जो इन्होंने जो आज समस्याएं रखी कि भाषा के बारे में और ज्ञान के बारे में, भाषा क्या है और ज्ञान क्या है, भाषा का व्यवहार हम करते हैं और भाषा असीमित है, अनंत शब्द है, उन शब्दों को हम कैसे समझें, उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा वैदिक दृष्टि में उन्होंने बहुत से उपाय देखे भाषा को समझने के लिए और ज्ञान को समझने के लिए भी। और हम क्यों समझें ज्ञान को, भाषा को क्यों समझें, अगर मान लीजिए किसी भाषा में व्याकरण नहीं है तो उनका भी काम चल रहा है, बहुत सी भाषाएं हैं जिनका व्याकरण नहीं है, लिखित में भी नहीं है, पर उनका काम चल रहा है, तो भाषा को जानने की जरूरत क्या है, ज्ञान को प्राप्त करने की क्या जरूरत है, हम क्यों ज्ञानी बनना चाहते हैं। इसके लिए मनुस्मृति में मनु ने एक बात कही, मनु ने कहा कि देखिए ये जो संसार है, इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो प्राणी अगर अमर होना चाहते हैं तो वो ज्ञान की साधना करें। वो कहते हैं अनभ्यासाच्च वेदानां संस्कारस्य च वर्धनात्, कि जो लोग ज्ञान की चर्चा नहीं करते हैं, ज्ञान को छोड़ देते हैं और ज्ञान के पीछे नहीं पड़ते, बिना पढ़े ही काम चला रहे हैं, तो वो लोग क्या है, वो अमर नहीं होंगे। ज्ञान ही एक अमृत है और वो अमर होता है। तो जब ज्ञान की चर्चा कोई आदमी छोड़ दे, ज्ञान को जानना छोड़ दे, तो उसका विकास नहीं होगा और वो पशु भाव में रहेगा। तो पहले जो बात है कि हमें करने के लिए हमें ज्ञान की चर्चा करें और ज्ञान को हम विकसित करें, परिष्कृत करें और हम ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान हमारा अमर होगा, हम रहे नहीं रहे, ये शरीर रहे या नहीं रहे, पर हमारे अंदर जो ज्ञान है वो बोलता रहेगा। हम लोग कहते कबीर ने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा, अरस्तु ने ये कहा, उनके ज्ञान जो है वो अमर है, किंतु वो खुद अमर नहीं थे, उनका शरीर एक दिन चला गया, उनका ज्ञान अमर रहा। पहली जो बात वो कहते हैं कि हमें ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, वेद ज्ञान को कहते हैं, और जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं वो अमर रहेंगे, मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। दूसरी जो बात वो कहते हैं कि अगर ज्ञान आप में आ गया तो हमें क्या करना है, अगर हम ज्ञान जान लिया और उस ज्ञान को प्राप्त भी कर लें, उस ज्ञान से हमें क्या लाभ होगा, तो वो कहते हैं कि ज्ञान से लाभ यही होगा कि हम उसके अनुसार आचरण भी करें और उसको उन्होंने कहा संस्कार करें, उसको संस्कृत बने, परिष्कृत बने। संस्कृत भाषा का जो शब्द है कि हम संस्कृत क्यों इसका प्रयोग किया गया, कि जो भाषा है वो एक ग्रामीण आदमी बोलता है, अनपढ़ भी बोलता है, और जिसको कुछ भी नहीं आता वो भाषा का प्रयोग कर लेता है, हर मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है, पशु पक्षी भी करते हैं, तो पर वो संस्कृत नहीं बोलते, वो अशुद्ध भाषा बोलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि संस्कृत संस्कृत पदानि उत्सृजन्ते, कि भाषा का संस्कार करना पड़ेगा, उस भाषा के अनुसार हमें अपने कर्मों को उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा। अगर हम अपने कर्मों को उत्कृष्ट कर लेते हैं और वो कर्म ऐसे हों जिनको लोग याद करें कि इनका कर्म, इनका आचरण उत्कृष्ट था, तो ये दो चीजें जो आदमी को करनी चाहिए जीवन में, एक तो ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, ज्ञान को जब तक जीवे तो ज्ञान को प्राप्त करता रहे, और दूसरी जो बात है वो अपने संस्कार को, अपने कर्मों को, आचरण को तो उत्कृष्ट आचरण में परिणत करे, क्योंकि सबका आचरण, किसी भी व्यक्ति का आचरण जो है वो शुद्ध नहीं है, अपरिष्कृत है, असंस्कृत है, उस असंस्कृत को संस्कृत बनाए। तो ज्ञान जो है वो हम ज्ञान की साधना में लगे और हमारे कर्मों की साधना, ये दो ही चीज है, इन दो चीजों को मैंने कहा प्रधान चीज है जिनसे हमारा जो है सर्वोदय, अभ्युदय और सब कुछ हो सकता है। ये दो ही हमारे पास करने के लिए कार्य है, दो चीज हमें नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, तो कहते हैं कि एक तो आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, हम अपने काम को छोड़े नहीं, और दूसरी जो बात है हम जो है भ्रष्टाचरण की ओर नहीं चलने, जिस कर्म में फायदा हो, लाभ हो, उस लाभ के पीछे नहीं भागे, हमें जीवन को एक उत्कृष्ट जीवन बनाना है, उसमें हम दोषों से दूर हो जाए, तो दोष है वो हमें दुखी करेंगे, हमें अगर हम काम क्रोध मद लोभ में जाएंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। जो लोग ये चार काम कर लेते हैं, यानी दो अच्छे काम करने के लिए हैं और दो काम छोड़ने के लिए हैं, आलस्य को छोड़ना है, अपनी कमियों को छोड़ना है, हम आलस्य में व्यक्ति रहता है तो कुछ नहीं करता और अज्ञान में रहता है, ये ज्ञान का विरोधी है, तो हम अज्ञानी नहीं बने और ज्ञानी बने। आलस्य जो आदमी है वो दूसरों का नुकसान नहीं करता, खुद का नुकसान करता है, किंतु जो आदमी आचरण को भ्रष्ट कर लेता है, उसके आचरण के भ्रष्ट होने पर वो जो है औरों को भी दुखी करता है। इसलिए हम अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाएं तो हमारा रास्ता शुरू होगा। इसलिए हमारे को ज्ञान का स्वरूप जानना जरूरी है, भाषा को जानना जरूरत है, भाषा का भी संस्कार की जानने, कि भाषा को हम कैसे शुद्ध करेंगे, कैसे अशुद्ध करेंगे, कितने शब्द भाषा में होंगे। तो क्या एक बार ऐसा हुआ, इंद्र ने और बृहस्पति
ने सोचा कि हम शब्दों की एक सूची बना लेते हैं जैसे डिक्शनरी बनती है और सही सही शब्द लिख लेते हैं तो काम चल जाएगा। तो कहते हैं दोनों आदमी बोलने लगे, बृहस्पति बोलने लगे और इंद्र लिखने लगे, लिखते लिखते हजारों वर्ष बीत के शब्दों का अंत नहीं हुआ। शब्द अनंत शब्द हैं, नए नए शब्द आते हैं भाषा में, उनकी सूची नहीं बनी। तो लगा कि ये जो तरीका है भाषा को समझने का ये तरीका सही नहीं है। पतंजलि इसको कहते हैं कि ये तरीका सही नहीं है। तो उन्होंने फिर व्याकरण बनाया, एक शास्त्र बनाया कि हम ज्ञान को सुव्यवस्थित करें, कि भाषा के ज्ञान को हम कैसे सुव्यवस्थित करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक व्याकरण शास्त्र की स्थापना की कि व्याकरण जो शास्त्र है इस व्याकरण शास्त्र में हम चलते रहेंगे और इसका एक शास्त्र बनाएंगे, वो जो शास्त्र है उस ज्ञान को सुव्यवस्थित करेगा। और ज्ञान को जब सुव्यवस्थित कर देगा तो इस तरह से भारत में जो मूल शास्त्र है, भारत का जो मूल शास्त्र है वो व्याकरण शास्त्र है। भारतीय जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो सब व्याकरण से ही निकले हैं, तो व्याकरण उनका मूलक है। पश्चिम के जितने भी शास्त्र हैं, जितनी विद्याएं हैं, वो गणित मूलक हैं, रेखा गणित मूलक हैं। तो इन दोनों शास्त्रों में भेद है। हमने भाषा को ही मुख्य लिया, तो भाषा को इसलिए मुख्य लिया कि भाषा मेरे और संसार के बीच में भाषा ही मुख्य भूमिका अदा करती है। कि भाषा अगर नहीं है तो मैं दूसरों से बात कैसे करूंगा। भाषा जो है, भक्तरी कहते हैं कि देखिए हम जो भाषा बोल रहे हैं, शब्द जो बोल रहे हैं, शब्द है क्या? शब्द जो है मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा को मैं व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द बोलूंगा। मैं कुछ, मेरे को प्यास लगी तो मैं कहूंगा पानी लाओ, ये पानी लाओ जो शब्द बोल रहा हूँ ये मेरी इच्छा है। और मैं पानी बोलूं या लाओ बोलूं तो उसका मतलब लोग समझते हैं कि मैं अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा हूँ। इच्छा जो मेरी थी, उस इच्छा को मैंने वाणी के माध्यम से उस इच्छा को व्यक्त किया। तो इस तरह से भाषा में क्या हुआ कि हमने एक शब्द का प्रयोग किया और वो शब्द मेरी उस इच्छा को व्यक्त कर रहा है। इच्छा से शब्दों का निर्माण हुआ। हर व्यक्ति जो नए नए शब्द आज भी बनते रहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग कभी हमने नहीं सुना, वो सब बनेंगे, वो बनते रहेंगे। तो भाषा में निरंतर नए शब्द आते रहते हैं और नए शब्दों का हम प्रयोग करते रहते हैं। तो भाषा में शब्द वक्ता की इच्छा से बनते हैं। अब दूसरा इसमें पक्ष है, वो सुनने वाले का है। सुनने वाला उन शब्दों को समझता है तो तुरंत अर्थ ले आता है। अगर नहीं समझता है तो कहता है इसका मतलब क्या है, आपने जो शब्द बोला उस शब्द का ज्ञान उसको नहीं होता है कि आपने जो शब्द बोला मैं उसका मतलब नहीं समझा, आपने जो प्रश्न किया उसका मैं मतलब नहीं समझा। तो वक्ता उस मतलब को समझाता है कि भाई ये इसका मेरा तात्पर्य ये है। इसलिए हम इसमें ज्ञान, वक्ता का जो ज्ञान और श्रोता का ज्ञान, इन दोनों के को हम जब व्यक्त करते हैं वो भाषा के माध्यम से करते हैं। तो भाषा हमें संसार से जोड़ती है, और भाषा अगर नहीं होगी तो हम एक दूसरे से अपनी बात नहीं कर पाएंगे, हमारे विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम बात करेंगे तो भाषा को माध्यम देना पड़ेगा, और भाषा को हमें संस्कृत भी करना पड़ेगा और व्याकरण भी बनाना पड़ेगा। तो भारतीय मनीषा शुरू से व्याकरण शास्त्र उन्होंने बनाया बहुत वैदिक काल से, और ऐसा लगता है कि वेदों के जो चार अंग थे उन चार अंग में चार तो भाषा से जुड़े हुए थे। उसमें एक था कि भी हम शब्द कितने हैं भाषा में, पद विज्ञान जिसे हम कहते हैं व्याकरण शास्त्र। तो एक व्याकरण शास्त्र उन्होंने बनाया कि कितने शब्द हैं पहले इनका हम निश्चय कर लें, और पदों का, शब्दों का हम एक विज्ञान बनाते हैं, शब्दों की एक सूची बनाते हैं, उनके रूप बनाते हैं, फिर कैसे इसको हम समझाएं। एक उनका रूप चला पद को समझाने के लिए, एक चला कि अर्थ क्या है, ये दूसरी समस्या आती है कि अर्थ क्या है, शब्द किसको बताता है, शब्द अगर बताता है किसके बारे में बताता है, क्या शब्द कुछ बताता है तो क्या अर्थ को बताता है। अर्थ किसे कहते हैं, इसका कोई ना कोई पदार्थ होता है, कोई कोई ना वस्तु होती है, तो वस्तु परक अर्थ होते हैं, कुछ ज्ञान परक भी हो सकते हैं। शब्द में तीन चीजें हैं, शब्द वस्तु को बताता है पहली बात है, पदार्थ को बताता है, शब्द शब्द को भी बताता है, और शब्द ज्ञान को भी बताता है। तो शब्द में तीन शक्तियां हैं, इसलिए शब्द को हम मूल मानते थे कि मूल है शब्द, शब्द से हम अर्थ को, पदार्थ को और ज्ञान को भी जानते हैं। ये तीनों जो चीज हमारी मूल शास्त्र रहे, और हमने इस पर बहुत सा चिंतन भारतीय परंपरा में किया उन्होंने, और माना कि भी इसमें हम क्या जाने, हमें क्या जानना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखिए हम क्या जानना चाहते हैं, और हमें क्या जानना है, तो कहते हैं सर्वस्य ताहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनं च वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्य वेदांत कित्वेद विदेव चाहम। कि सब प्राणी, जितने भी संसार के प्राणी हैं, सबके अंदर भगवान कहते हैं मैं बैठा हूं, सबके अंदर भगवान है। हर व्यक्ति अपने आप में ज्ञान से परिपूर्ण है, और ज्ञान जो भगवान का ही रूप है, और सब लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ है। सबके हृदय में मैं बैठा हूँ, सबके अंदर जो स्मृति है वो मेरे द्वारा दी जाती है, सबके अंदर जो उनका ज्ञान है वो भी मेरे द्वारा दिया गया है, और ज्ञान को गायब भी मैं करता हूँ, अपोहन भी मैं करता हूँ, ज्ञान को हटाने वाला भी मैं हूँ। इन सबसे जानना क्या है, हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? कहते हैं वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्य, जितने भी वेद लिखे गए, जितने भी ज्ञान की बातें लिखी गई, उनसे मेरे को जानना है, अहम को, कि मेरा अहम क्या है, मेरा स्वरूप क्या है,
और इस स्वरूप को भारतीय दर्शन में अहम की व्याख्या की गई कि भाषा के द्वारा ऐसे लेके हाथक अपला वर्ण है अंतिम वर्ण है। एक पूरा जो परंपरा थी शब्द शास्त्र में वो परंपरा केवल ऐसे लेके हाथक यानी पहले भाषा को समझे और इसको हम समझें तो अहम ये वैद्य कि मेरे को जानो, मेरे को जानने के लिए यही वेदों का अंत है। वेदांत कित वेद विदेव जहां, तो जो लोग समझ जाते हैं इसका मतलब भाषा जो है एक तरह से परमात्मा तक जाती है, परमात्मा की उन हर चीजों को भाषा व्याख्या करेगी। ये केवल एक ध्वनि नहीं है और इनमें एक ऐसा अर्थ निहित है और उस अर्थ से हम परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हैं। तो ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि वो अहम है, उसका एक अर्थ ये हुआ वो ज्ञान जो ज्ञान हमें मुक्ति देगा, जो हमारे बंधन काट देगा, उससे हमें वो ज्ञान वो विद्या जो मुक्त करेगी। तो विद्या को मुक्त करने वाले कहने का अर्थ ये था कि ज्ञान हमें मुक्त करेगा, मुक्त कर देगा। तो उसके बाद में एक आशुतोष जी ने प्रश्न उठाया कि मुक्त के बाद में क्या रहेगा, तो मुक्ति के बाद में उनका कि मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमें एक रस्सी खुल गई और हम फ्री हो गए, मुक्ति के बाद भी हमें कार्य करने ही पड़ते हैं और उनकी से मुक्ति नहीं मिलती, हमें युक्त रहना पड़ता है। हम परमात्मा को जान लें केवल जानने से हमारी मुक्ति हो गई, मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम एक तरह से फ्री हो गए और हमारे बंधन कट गए, अपितु इसका अर्थ ये है कि हम मुक्त हो गए फिर भी हम अपने उन दो चीजों को नहीं भूलें, एक तो हम जो ज्ञान की प्राप्ति उसको हम नहीं रोकें और एक सदाचरण को। गीता में भगवान लास्ट में कर देते हैं कि देखिए दो चीजें हमें फिर भी प्राप्त पे रहेंगी, वो कहते हैं कि यज्ञ तप और दान ये तीन चीजें जो है इनको मैं समझता हूँ कि वैदिक दृष्टि में मूल थी कि इनको हम छोड़ नहीं सकते। यज्ञ यानी ज्ञान की चर्चा हम करते रहें, ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा, ज्ञान की बात हम करते रहें, तपस्या करते रहें और आचरण जो हमारा सही करते रहें। तो ये जो बात करते हैं ज्ञान तप और दान, दान का दूसरों की हम सहायता भी करते रहें ताकि हम ईश्वरीय रूप में तभी हम पहुंच पाएंगे, तभी हमारे मन में शांति होगी। जब हम दान नहीं करेंगे किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो हमारा रूप एक तरह से व्यापारी का स्वरूप हो गया और हम केवल शोषण जो आईएम की जो पश्चिम दर्शन की जो बात है उसकी ओर चले जाएंगे, हम ज्ञान को एक साधन समझ लेते हैं। तो भारतीय परंपरा में ज्ञान के दो रूप रहे, एक तो जो परमात्मा की ओर ले जाने वाला जो हमारे जीवन को उत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट बना रहा हो और वो हमें आगे ले जा रहा है कि हमें अंतिम जो तत्व है परम तत्व है उस परब्रह्म तक ले जाता है, उसको किसके माध्यम से ले जाएंगे, क्या रास्ता है उसके लिए, क्योंकि परम ब्रह्म के बारे में कुछ बोलना संभव नहीं है क्योंकि वो निर्गुण है निराकार है, उसको कैसे जानेंगे, तो क्या शब्द के द्वारा ही, शब्द ही उसमें माध्यम बनेगा, वही मंत्र बोलेंगे उसे ध्वनि बोलेंगे, कुछ ध्वनियों से हम कुछ ध्वनियों के रूप को लेकर के हम ध्वनि के नाम रूप को लेकर के हम ब्रह्म की ये साधना करते हैं। तो जितने भी वेदांत दर्शन है वो सभी दर्शन उसी शब्द की यात्रा करते हैं और शब्द से शब्द ब्रह्म को जाते हैं फिर परब्रह्म को जाते हैं। एक तो भाषा का रूप ये मुक्ति वाला रूप हो गया, दूसरा जो रूप था भारतीय दर्शन में व्याकरण का था, उन्होंने भाषा का विशेषण शुरू किया, उन्होंने पद अर्थ और वाक्य और इस तरह से उन्होंने भाषा के विश्लेषण करना शुरू किया कि हम भाषा के बारे में एक व्याकरण बनाए। उस व्याकरण का उद्देश्य क्या था कि जितने भी साधु शब्द हैं जो प्रयुक्त शब्द हैं उनको हम निश्चित कर लें कि ये प्रयुक्त हैं उपाकीय प्रयुक्त हैं। पांडे ने ऐसा काम किया कि उन्होंने लगभग 4000 शब्द लिखे, इस साल से 600 वर्ष पूर्व 600 BC में पांडे ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा और ये ग्रंथ इतना उत्कृष्ट ग्रंथ था कि दुनिया में आज तक किसी भी भाषा का व्याकरण इसके समान नहीं बना। संस्कृत में कोई भी शब्द आएगा तो बता देंगे कि शुद्ध है या अशुद्ध है, बाकी जितनी भाषाएं हैं उनमें नए नए शब्द घुसते रहते हैं। जब नए नए शब्द घुसेंगे भाषाओं में तो क्या होगा कि भाषा बदलती रहती है, भाषा का इतना रूप बदल जाता है कि मान लीजिए एक हिंदी आज की देखें और आज से 100 वर्ष पहले की हिंदी देखें, एक 500 वर्ष पहले की हिंदी देखें तो उनको हम समझ नहीं पाएंगे। हम आज से 500 वर्ष पहले की हिंदी नहीं समझ पाते कि उसमें भाषा कुछ और थी और आने वाले 500 वर्ष में कैसी हिंदी होगी वो भी हमारे समझ में नहीं आएगी। पर संस्कृत में ऐसा नहीं होता, संस्कृत में ऐसा क्यों नहीं होगा कि जो संस्कृत वेदों में थी जो आज की संस्कृत है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। पांडे ने से एक तरह से भाषा को नियमित किया कि भाषा को मैं नियमित कैसे करूं और भाषा को मैं नियमित कर देता हूं कि ये संस्कृत का एक बड़ा काम किया और एक ऐसा काम जो विश्व के किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया और इसलिए पांडे को हम बड़ा आचार्य मानते हैं। पांडे एक बड़े आचार्य हुए और उनके समान कोई विद्वान आज तक नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि पांडे एक इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने भाषा को केवल 4000 शब्दों में बांध दिया और उसके द्वारा हम संस्कृत को एकदम निश्चित रूप दे दिया, परिष्कृत और संस्कृत रूप बना दिया। तो ये पांडे का ये योगदान है, वो भाषा के विषय में उनका बड़ा योगदान रहा। तो उन्होंने शब्दों को लिया और शब्दों में भी उन्होंने एक तरह का समाज है कि नहीं है, उनको ढूंढा कि शब्द जो है किस तरह के शब्द हमारे सामने। तो शब्दों के बारे में उन्होंने ढूंढा कि भी शब्द हैं उनमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, उनमें भी नपुंसकलिंग है, इनमें भी इनका समाज है, इनका एक वर्ग है। जैसे एक समाज होता है उन समाज को उन्होंने ढूंढा कि इनमें कौन कौन से शब्द हैं, अकारांत शब्द इकारांत शब्द उकारांत शब्द, इस तरह से उन्होंने उनकी सूची बनाई और उन सब शब्दों का एक तरह से पूरा
जैसे व्याकरण बनाया, एक पूरा शास्त्र बनाया, जिस तरह उन शब्दों का एक समाज है और शब्दों का रूप निश्चित किया, शब्द कितने तरह के हैं, उन्होंने कहा दो तरह के शब्द हैं, और उन्होंने बताया कि एक शब्द तो वो है कि जिस शब्द को हम ये कहें कि वो क्रिया संवाचक शब्द है, और एक शब्द उन्होंने कहा कि जो है वो वस्तुवाचक शब्द है। उन्होंने कहा सुबंत और तिगंत दो तरह के शब्द होते हैं। इस तरह से पांडे ने एक बड़ा प्रयास किया जिसको जिस पर अभी भी बहुत कम काम हुआ और इस पर बहुत कार्य की जरूरत थी, क्योंकि हमें भाषा को ये समझा सकता है भाषा के। और तीसरी जो परंपरा थी हमारे अंदर जो संसार की ज्ञान की एक परंपरा, तीसरी परंपरा थी वो परंपरा जो थी वो न्याय दर्शन की रही। न्याय दर्शन ने माना कि देखिए परमात्मा क्या है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, और अंदर क्या है ये भी नहीं पता है, हम तो बाहर का दुनिया देखते हैं, जहां हमारी आंख खुली है इस दुनिया को हम समझें कि बाहरी दुनिया क्या है, यहाँ ज्ञान का मतलब क्या है, उन दोनों में अंतर है। इन दो ज्ञानों में अंतर हुआ, एक ज्ञान जो परमात्मा की ओर ले जा रहा है वो ज्ञान जो है वो परम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, मुक्ति देने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान पारमार्थिक ज्ञान है। पर जो ज्ञान व्यावहारिक है जो संसार की ओर ले जाएगा उस ज्ञान को हम परीक्षा करेंगे वो ज्ञान कैसा है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान के हम दो भेद करते हैं, उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों आते हैं, एक इसका यथार्थ रूप है और एक अयथार्थ रूप है, परमा ज्ञान अपरमा ज्ञान। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान के दो रूप होंगे, हम ज्ञान है क्या चीज, ज्ञान उन्होंने माना कि ज्ञान किसी न किसी विषय का होता है, इच्छा भी किसी विषय की होती है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा के अंदर ज्ञान रहता है, आत्मा का एक विशेष गुण है, संसार के और किसी भी द्रव्य में ज्ञान नहीं रहता, केवल आत्मा में ही ज्ञान रहता है, आत्मा में ही ज्ञान रहता है और किसी चीज में ज्ञान नहीं है। जितने भी नौ द्रव्य हैं उनके नौ द्रव्य के अनुसार उन्होंने जगत का विवेचन किया कि हमें जगत को समझना है, हमें परमात्मा को बाद में समझना है, पहले हम जगत की व्याख्या करें, संसार को हम समझे, संसार में रहें कैसे। तो उन्होंने इसकी व्याख्या जो की, जगत की व्याख्या जो की, उन्होंने द्रव्य के रूप में की, भाव पदार्थ अभाव पदार्थ, भाव के द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष क्षमा, इस तरह से उन्होंने रूप रखे कि ये छह चीजें हैं और एक इधर अभाव सात चीज है। इसके अंदर उन्होंने ज्ञान को रखा आत्मा के अंदर रहने वाला गुण, विशेष गुण। विशेष गुण ये कि ज्ञान आत्मा के अलावा किसी में रहता ही नहीं है, ज्ञान के साथ में इच्छा और द्वेष भी इसी में है कि वो चाहता है किसी को, किसी को नहीं चाहता है। तो जिसको चाहता है वो राग है, जिसको नहीं चाहता द्वेष है। तो राग द्वेष भी हमारे अंदर है, हम कुछ चीजें पसंद करते हैं और जो पसंद करते हैं उसकी इच्छा करते हैं, जो पसंद नहीं करते उसकी अनिच्छा करते हैं। इसलिए हमारे अंदर ये भी बात है कि हमें राग द्वेष भी हमारे इन सब का कोई ना कोई विषय होता है, और विषय जो है उस विषय का हमारे अंदर ज्ञान होता है, वो विषय एक तरह से हमारे अंदर प्रतिभाषित होता है। जैसे हम प्रतिबिंब देखते हैं तो प्रतिबिंब में हमारा हमें जो चेहरा जो है हमारा जो चेहरा है वो चेहरा जो है हमारा जो चेहरा उसमें दिखता है और हमारा चेहरा दिखता है ऐसा कैसा चेहरा दिखता है। तो हमारा ज्ञान उसमें पानी के अंदर दिख रहा है, दर्पण में दिख रहा है, ऐसे ही हमारी बुद्धि में क्या संसार के विषय प्रतिभाषित होते हैं। और जो ज्ञान जो है वो ज्ञान एक तरह से हमें संसार को समझने का रास्ता देता है। जितना भी मनुष्य का व्यवहार है वो समुच्चा व्यवहार जो है संसार का जितना भी व्यवहार है वो किस पर है, तो ज्ञान पर है। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर ज्ञानम, कि मनुष्य में अगर ज्ञान नहीं होता तो वो संसार का व्यवहार ही नहीं कर पाता। मनुष्य में सभी जितने भी चेतन है सब में ज्ञान है। तो ज्ञान का जो रूप है इसके दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक रूप तो यह आता है कि ज्ञान जो है हमारे बुद्धि में है, या बुद्धि बुद्धि में ज्ञान है। एक तो रूप हमारा ये समझ में आ रहा है कि जो ज्ञान है, हम जैसे अस्तु जी ने शुरू में बताया कि हम परमाणु से ज्ञान करते हैं। एक तो हमारे इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान कहलाता है कि हम किसी वस्तु को और पदार्थ को देखते हैं तो उनके हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है। जैसे हम प्रत्यक्ष करते हैं उस प्रत्यक्ष से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान हमारे अंदर आता है। जैसे कैमरे में फोटो आती है वैसे हमारे अंदर एक प्रतिबिंब बनता है ज्ञान का। मैं गाय को देख रहा हूँ, मैं जिनको भी देख रहा हूँ उसका ज्ञान मेरे अंदर बनता है। तो एक तो ज्ञान प्रत्यक्ष आता है, पर दूसरा जो ज्ञान है उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष नहीं, दो ज्ञान के भेद हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। अनुमान ज्ञान का है। तो अनुमान को उन्होंने कहा कि दो ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमान। अनुमान एक ज्ञान के बाद होने वाला दूसरा ज्ञान। एक ज्ञान हुआ उस ज्ञान को देख करके मैं दूसरा ज्ञान भी कर लेता हूँ। जैसे जैसे मैं देखता हूँ कि भाई कि धुआं उठ रहा है तो मैं कहता हूँ आग भी लग रही है, तो आग तो मैंने देखी नहीं पर आग का मुझे ज्ञान हो गया। ऐसे में बहुत से ज्ञानों को एक ज्ञान के बाद ज्ञान करता हूँ। इन दो ज्ञान में, प्रत्यक्ष ज्ञान में और अनुमान ज्ञान में, श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है, कौन सा ज्यादा ताकतवर है? तो न्याय ने इसका विचार किया कि इन ज्ञानों में, इन दो ज्ञानों के अंदर जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो अनुमान है,
प्रत्यक्ष से हम जो देखते हैं वो भी इतना प्रमाणिक नहीं है, अनुमान से जो जानते हैं वो ज्यादा प्रमाणिक होता है। पूरी गणित जो है अनुमान है, गणित दर्शन जो है पूरा अनुमान के अलावा कुछ भी नहीं है। गणित में हम जितना भी जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं वो अनुमान होता है। तो अनुमान के द्वारा हम उस गणित को, समस्याओं को हम सुलझाते हैं, और उस समस्याओं को हम जब सुलझा रहे हैं तो हमारा अनुमान जो है उसमें, अनुमान जो है उसमें हम अनुमान करते हैं, जोड़ना घटाना गुणा संख्या भाग ये सब अनुमान है। यानी जब मैं प्रत्यक्ष किसी वस्तु को करता हूँ तो प्रत्यक्ष में वस्तु मुझे दिख जाती है, पर यह नहीं दिखती कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, इसकी लंबाई क्या है। जैसे मैं एक उस लोगों को देख रहा हूँ, कितने लोग यहाँ बैठे हैं, पर कितने हैं तो मैं उनको गिनना शुरू करूंगा। जब मैं गिनूंगा तो ये काम दूसरा होगा, ये प्रत्यक्ष नहीं है। इसमें कहा कि बुद्धि अलग है हमारे अंदर, जो बुद्धि है वो बुद्धि प्रत्यक्ष से ज्ञान लेकर के और उसको पूरे को वो काउंट करती है। काउंटिंग जो होगी वो कैसे होगी, इनकी लंबाई चौड़ाई का मैं निर्णय कैसे करूंगा, वो ज्ञान सीधा ज्ञान नहीं है। सीधा ज्ञान तो सभी पशुओं को भी होता है, पर जो अनुमान का जो ज्ञान है, अनुमान ज्ञान भी पशुओं में थोड़ा बहुत होता है, पर व्यक्ति में अनुमान ज्ञान ज्यादा होता है। तो दो ज्ञान के आधार थे, प्रत्यक्ष और अनुमान। तीसरा जो आधार इन्होंने बताया कि जो तीसरा आधार जो सादृश्य जो है, यानी अनुमान होता है, उपमान होता है, इसके अंदर हम एक वस्तु को देख करके दूसरी समझ लेते हैं। जैसे हम नक्शा देखते हैं, नक्शे में हम भारत का नक्शा देखते हैं, कहते हैं भारत है, तो भारत को हम समझा नहीं सकते, तो हम उसको एक तरह रेखाओं से समझाते हैं। हम एक कार्टून बनाते हैं, मान लीजिए किसी नेता का हम कार्टून देखते हैं तो हम कहते हैं इस नेता का कार्टून है, वो कार्टून उसकी फोटो नहीं है, पर उससे हमें पता लग जाता है कि इन दोनों में कोई समानता है। तो इस समानता के आधार पर उन्होंने ज्ञान को परिभाषित किया कि ये प्रत्यक्ष अनुमान के अलावा एक ज्ञान का तरीका हमारे पास है, जिसको वो कहते हैं उपमान है। और उपमाओं के द्वारा हमने बहुत से ज्ञान प्राप्त किए, उपमान के द्वारा हमने बहुत से ज्ञान प्राप्त किए और हमें बहुत से साथ उपमान से ही चलते हैं हमारे। और हम उसमें जहाँ भी हम एक ट्री बनाते हैं किसी चीज़ की, तो वो एक तरह से जितना भी PPT में आप बना रहे हैं वो सब एक तरह से उपमान का प्रयोग है। और चौथा ज्ञान उन्होंने कहा शब्द ज्ञान है। उन्होंने कहा ये चार ही हमारे पास तरीके हैं। शब्द ज्ञान का अर्थ है कि हम दो वस्तुओं के बीच में हम सीखते हैं कि ये इसका नाम है, ये इसकी अर्थ है। इस तरह से हमें घर में बच्चे को हम सिखाते हैं कि ये भाषा है, इसे हम रोटी कहते हैं, इसे पानी कहते हैं, इसे थाली कहते हैं, गिलास कहते हैं। ऐसे हम एक एक भाषा के जो शब्द हैं उन भाषा के शब्दों को हम सीखते जाते हैं, और सीखते सीखते जो है हम उन ज्ञान को, हम जितने भी ज्ञान हमें हुए हैं उन ज्ञान को हम सीख लेते हैं और शब्दों के द्वारा। तो ये शब्द पूर्वक जो ज्ञान है, इन सभी ज्ञानों में जो श्रेष्ठ ज्ञान क्या होगा, उनका अनुमान ज्ञान श्रेष्ठ होता है। सबसे शक्तिशाली ज्ञान जो अनुमान होता है, और बाकी प्रमाण इनके सामने कमजोर माने गए न्याय दर्शन की दृष्टि में। उन्होंने कहा कि हम शब्दों को भी इतना प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि शब्द भी हर किसी के शब्द नहीं मानेंगे। जो प्रमाणिक होंगे उस वैदिक शब्दों को मान लेंगे अगर वो सही रहेंगे तो, और किसी प्रमाणिक आदमी का कथन है वो भी हम मान लेंगे। किंतु हम ज्ञान को प्रमाण की बात आएगी और इस दर्शन में ज्ञान की प्रमाण की बात उठी और उठा कि ज्ञान जो है उस ज्ञान को हमें चेक करना पड़ेगा कि ज्ञान सही हुआ है गलत हुआ। क्योंकि कई बार हम रस्सी को सांप देखते हैं फिर रस्सी निकलती है, और सांप को रस्सी भी देख सकते हैं। हमारे पास कई बार भ्रांति होती है, हम कई बार किसी को पहचानते हैं कि वो आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं नहीं तो ये आ रहा है। इस तरह से हमारे ज्ञान में कई समस्याएं आती हैं। तो इसमें लगता है कि ज्ञान जो है दो तरह का हो सकता है, जैसा वस्तु है वैसा ही ज्ञान होना असली ज्ञान है, और जैसा वस्तु न हो वैसा ज्ञान होना अप्रमा ज्ञान है। इसको वास्तविक ज्ञान और अवास्तविक ज्ञान, उन्होंने दो ज्ञान के उन्होंने भेद बताया कि दो जो भेद है इसको हम समझें, और इसके लिए उन्होंने प्रमाण शास्त्र की स्थापना की और कहा कि ये चार प्रमाण हैं, ये प्रमाणों से हम हर वस्तु का निर्णय करेंगे, और इस निर्णय के द्वारा हम जो भी वस्तु का निर्णय करेंगे उस निर्णय में हमें जो प्रमाणित होगा वो मानते जाएंगे। ये जो दृष्टि थी और अरस्तु की जो दृष्टि थी दोनों एक जैसी हैं और विज्ञान परक दृष्टि है। तो इसमें उनका जगत के बारे में विचार अलग तरह का है, और जो जो दृष्टि मुक्ति वाली दृष्टि है उसमें जगत का विचार अलग तरह का है। इस तरह से हम ये देखते हैं भारतीय परंपरा में तीन दृष्टियां अलग अलग चली। एक दृष्टि शब्द परक थी कि जो शब्द को प्रधान मानती थी वो व्याकरण दृष्टि थी। एक दृष्टि पदार्थों को प्रधान मानती थी और उनके अनुसार ज्ञान का स्वरूप मानती थी कि ज्ञान तो उस पदार्थों का रूप है और उस पदार्थ का जो परिणाम वो ज्ञान है, इसलिए वो दृष्टि एक तरह से यथार्थवादी दृष्टि थी, वो संसार की व्याख्या अलग दृष्टि से करेगी। और एक दृष्टि ये मानती थी कि ज्ञान तो परम प्रकाश है, ज्ञान तो ज्ञान से सब कुछ बना है और ज्ञान ही सब कुछ बनता है, तो ज्ञान परम प्रकाश है। तो ज्ञान को प्रधान मानने वाले लोग थे वो अद्वैत की ओर चले गए, और उन्होंने ये मान लिया कि जब मैं दो वस्तु देख रहा हूँ, पहले मैं अंधेरे में देखता हूँ कोई वस्तु पड़ी है, मैं उसको सांप समझता हूँ और चिल्लाता हूँ कि ये सांप है। फिर थोड़ी देर बाद मैं क्या कहता हूँ कि ये जब सांप को मारने की कोशिश करते हैं तो रस्सी निकलती है, तो मुझे लगता है कि ये रस्सी है। दो वस्तु पहले थी वही बाद में थी, पर पहले मेरे को जो ज्ञान हुआ कि ये सांप है
और बाद में मेरे ज्ञान हुआ कि रस्सी है, पहला ज्ञान गलत था, इसमें बदला क्या? वस्तु तो वही थी, बदला मेरा केवल ज्ञान। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो ज्ञान बदलता है, ऐसे संसार के बारे में हमारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अगर हम मानते हैं कि ज्ञान ही प्रधान है, ज्ञान ही सत्तावान हो, ज्ञान ही आनंदमय है, तो संसार की व्याख्या एक अलग तरीके से होगी। उस व्याख्या को वेदांत दर्शन के विभिन्न संप्रदायों ने अपने अपने दृष्टि से किया और उन्होंने कहा कि वेदांत के अनुसार, कश्मीर शिवजी के अनुसार, उनके अनुसार व्याख्या हुई। उन्होंने भाषा की व्याख्या भी की तो अपने रूप में की, उन्होंने उसको मंत्र के रूप में की और मंत्र के द्वारा उन्होंने संसार को भी उसी तरह माना कि हर वस्तु के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है और शब्द मूलक सृष्टि हुई, शब्द ही इस ब्रह्म की शक्ति है, उसे शिव की शक्ति है, विमर्श कहा उन्होंने। तो एक व्याख्या वेदांत आदि दर्शनों की चली गई और उन्होंने ज्ञान के स्वरूप को, ज्ञान की समस्याओं को, ज्ञान को बहुत एक अलग तरह से समझाया। भाषा ने, व्याकरण दर्शन ने उसको अलग तरह से समझाया कि हमें केवल एक व्यवहार करना है। अब ज्ञान वाले जो व्याकरण दर्शन में बात उठी कि आप किसको मानते हैं, किस ज्ञानी को ज्ञानी मानते हैं, एक तो ज्ञान हमारे सामने जो है, एक तो ज्ञान हमारे सामने वेदांत की दृष्टि का है और एक न्याय की दृष्टि का है। एक दृष्टि याज्ञवल्क्य की है और एक दृष्टि हमारे सामने कणाद की आती है। इन दो दृष्टियों में हम किस ज्ञान को प्रमाणिक माने? तो व्याकरण ने कहा कि हम दोनों के मानते हैं, हमारी कोई समस्या नहीं है, हम दोनों की बात मानते हैं, हमें इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसमें झगड़ा होगा आगे जा करके। अगर हम कहें ये सही है तो दोनों में कुछ न कुछ सत्य होता है, संसार के जो मत होते हैं उनमें सब में सत्यता होती है। तो उन्होंने कहा कि हम इस झगड़े में ही नहीं पड़ेंगे, क्या होगा, क्योंकि न्याय ने कहा कि शब्द अनित्य होता है, ज्ञान भी अनित्य होता है, शब्द भी अनित्य और ज्ञान भी अनित्य है। और इसी तरह उन्होंने वेदांत ने कह दिया कि नहीं, शब्द ब्रह्म है वो नित्य है, अर्थ भी नित्य है और संबंध भी नित्य है, तो एक नित्य मानता है, एक अनित्य मानता है। तो व्याकरण दर्शन ने कहा कि देखिए, ये जो संसार है, इस संसार में विचारक अलग अलग हैं और सब अपने अपने मन से विचार करते हैं, उनके विचार में जो भी चीज आती है, तो उनके मन में जो भी चीज आती है वो अपना अपना निर्णय कर लेते हैं, हमें काम क्या करना है। हमें अगर इस झगड़े में पड़ते हैं, दार्शनिक झगड़े में पड़ेंगे, तो हमें काम नहीं करना होगा, हम तो अपनी व्याकरण बनाएंगे, हम नित्य हो या कार्य हो हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हमें इस बात से कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा कि शब्द नित्य है या अनित्य है, हमें तो अपना काम करना है, हमें खाली, हमें अपने केंद्र में अब एक शास्त्र बनाना है, उस शास्त्र का हम निर्माण करेंगे, हम उसमें कारक क्या है, समास क्या, तद्धित क्या, हम ये बताएंगे, और हम ये नहीं बात करेंगे कि नित्य क्या अनित्य क्या, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम क्यों उत्तर देना चाहते हैं जिनमें विवाद होगा, अलग अलग मत होंगे, या तो सभी विवादों का समाधान हो वो हो नहीं सकेगा। तो कहते हैं सर्व वेद पारिषदम इदम शास्त्रम, कि सब वेदों का सार ये व्याकरण शास्त्र है, ये मुख्य शास्त्र कहलाता है, क्योंकि वेद को व्याकरण का मुख कहा गया है, तो मुख है, ये प्रधान शास्त्र है भारत का शुरू से, तो इस शास्त्र में हम सभी रास्तों को मानते हैं और जो भी कह रहा है उसकी हमें समीक्षा नहीं करनी है, हमें दोनों को सुनना है और दोनों को जानना है। हम इसलिए भारत में परंपरा रही कि हम सभी दर्शनों को पढ़ते रहे, खाली एक दर्शन को नहीं पढ़ते थे कि हम एक ही पढ़े। पश्चिम के दर्शन में एक व्यक्ति का दर्शन होता है, वहाँ एक संप्रदाय का दर्शन नहीं होता है, एक परंपरा नहीं होती है, हर व्यक्ति अपनी बात कहता है और वो अपनी बात जब ही कहता है कि पुराणों की बात को गलत सिद्ध करे, वो कहे कि मैं पुराणों से ज्यादा जानता हूँ। भारत में ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने माना कि भारतीय परंपरा में जो ज्ञान है वो परमात्मा की ओर से आ रहा है, हम तो केवल उसको व्यक्त कर रहे हैं, व्यक्ति का अर्थ है वो व्यक्त करता है, प्रकाशित करता है, उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए शुरू से उन्होंने कहा कि जितना भी ज्ञान है हमें प्राप्त हुआ वो ऋषियों ने देखा था, उन्होंने बनाया नहीं था, ऋषियों मंत्र दृष्टा आ रहा है, ऋषि शब्द का अर्थ है कि उन्होंने ज्ञान का दर्शन किया, उन्होंने बनाया है नहीं। हम जो कुछ भी हमारी परंपरा है पूरी चिंतन परंपरा में ये बात मूलभूत रूप में रही कि हमने केवल ज्ञान को देखा है, ज्ञान का हमने साक्षात्कार किया है, हमने बनाया नहीं है। पश्चिम की परंपरा में यह रहा कि नहीं, हमने तो ज्ञान को बनाया है और हम तो एक नया सिद्धांत खोज रहे हैं और इस सिद्धांत मेरे नाम से इसका कॉपीराइट भी होना चाहिए, और वो हर सिद्धांत को उस दर्शन में व्यक्ति पर चलते हैं और उस व्यक्ति की व्याख्या वो ज्ञान को इस रूप में लेते हैं, ज्ञान एक हमारा हथियार है और इससे हम संसार में अपने जीवन को बेहतर और श्रेष्ठ बनाएंगे, मजेदार बनाएंगे, तो वो उस ओर मजेदार है। भारतीय दृष्टि में माना कि जिंदगी को बेहतर किसी रूप में माने, उनका कि हमें ज्ञानी बनने का अर्थ क्या है, हमें शांत होना है, हमें बाहर से शांत होना है, संसार में हम आए हैं, जितना भी हम इसमें रहेंगे लास्ट में हमें एक दिन इस संसार को जब छोड़ना पड़ेगा, तो हम पहले से इसको छोड़ने का रास्ता करें और हम इससे निवृत्ति की ओर चलें, और हम वो निवृत्ति क्या है कि संसार से निवृत्ति होगी तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। परम सुख वही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जिस दिन हमें सोच लें मुझे कुछ नहीं चाहिए उस दिन में मुक्त हो गया, जब मेरी इच्छाएं ये हो जाए कि मुझे अब कुछ नहीं प्राप्त है, मुझे सब कुछ प्राप्त मिल गया, सब कुछ प्राप्त तभी होगा जब हमें ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान के बाद में अन्य ज्ञान नहीं होते,
ऐसा यजुर्वेद में साफ कहते हैं कि उसको जान लोगे तमेव विदित्वा, उस ज्ञान को प्राप्त कर लो कि जो ब्रह्म का ज्ञान है, अनादि पुरुष का ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में कुछ भी आपको प्राप्त नहीं करना है। क्यों नहीं प्राप्त करना है कि आपकी समुची जो इच्छाएं थी खत्म हो गई और आपको जो प्राप्त करना है प्राप्त कर लिया। ये जो ज्ञान है, दूसरा जो ज्ञान है, ज्ञान के दो हमें मुख्य या तीन भेद माने, एक व्याकरणों की दृष्टि, एक दृष्टि न्याय की दृष्टि, और एक दृष्टि जो है हम ये माने कि वेदांत की दृष्टि। तो तीन दृष्टियां भारतीय दर्शन में मूलभूत दृष्टियां रही और तीन का विवेचन अलग अलग है। एक दृष्टि में यह था कि हमारी बुद्धि में जो है ज्ञान रहता है या अर्थ रहता है, तो कुछ लोगों ने यह माना कि हमारे अंदर जो ज्ञान है वो जो ज्ञान है वो ज्ञान के अंदर ही इच्छाएं हैं, अंदर ही हमारे अंदर क्रियाएं हैं और हमारे अंदर अंदर ही संबंध है, और ज्ञान को और अर्थ को, बुद्धि में जो अर्थ है और बुद्धि में ही शब्द है, और ये सब बौद्ध व्यवहार जो हमारा बौद्धिक व्यवहार जो भाषा का जो व्यवहार है वो हमारे अंदर है, बाहर तो हम केवल बेखरी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो बाहर जो हम उपयोग कर रहे हैं वो बेखरी के रूप में है, अंदर जाके सब एक हो जाता है। इसका मतलब मूल तत्व एक हुआ, परातत्व एक हुआ, तो बाहरी तत्व अनेक हुआ। इन दोनों दृष्टियों से ये हुआ कि एक दृष्टि हमें एकता की ओर ले जा रही है, सब में एकता देख रही है। वेदांत की दृष्टि क्या है, जितनी भी वस्तुएं संसार में है सबको एक मानती है, सब में एकता देख रही है, उसका एकता ही प्रधान लक्ष्य है। न्याय की दृष्टि में हम जाएंगे, न्याय की दृष्टि अनेकता की ओर जा रही है, वो नानात्व की ओर जा रही है कि जगत में कितनी विचित्र विचित्र चीजें हैं, सब में अंतर दिख रहा है, वो अंतर को प्रधान करते हैं। और व्याकरण की दृष्टि कहती है कि हमें दोनों ही दृष्टि से समन्वय करना पड़ेगा। यही दृष्टि जो है हमारी श्रेष्ठ दृष्टि रहेगी कि हम दोनों को मानेंगे कि एक भी है अनेक भी है, क्योंकि ये दोनों बात एक ही तत्व की कर रहे हैं। क्योंकि तत्व एक ही है, संसार की बात करें चाहे परमात्मा की बात करें, उनमें अंतर जो दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि हमें लगता है कि हम उस दृष्टि से नहीं देख रहे। इन सभी दृष्टियों का हम समन्वय करें तो हमारा जीवन जो है वो जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा, हमारी कितनी समस्याएं जो है वो सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं, और हम एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं कि हम ऐसा मार्ग जो है, ज्ञान का मार्ग जो है और सदासन का जो मार्ग है, वो मार्ग हमें उन्नति की ओर ले जा रहा है, और वो उन्नति जो है हमारा अभ्युदय होगा, और वो अंत में एक तरह से हम परमात्मा की ओर चले जाएंगे और परमात्मा ज्ञान होगा। और बाकी जो ज्ञान है जिन वो इसलिए उसको अमृत कहते हैं, मनु कहते हैं कि वो अमृत की ओर ले जा रहा है ज्ञान। बाकी जितने भी ज्ञान है वो ज्ञान अगर हम खंड दृष्टि रखेंगे कि हम अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग समझेंगे और उनके टुकड़े करते जाएंगे, हम उन वस्तुओं में उलझते जाएंगे, कितना भी उलझें और कितना भी हम उनसे स्वार्थ सिद्ध कर लें, तो वो दृष्टि सुखवादी दृष्टि है, वो मोक्षवादी दृष्टि नहीं है। उसमें आनंद नहीं है, उसमें सुख है। और हम सुख या समझते हैं कि सुख हम वस्तुओं से मिलेगा, सुविधाओं से मिलेगा, ठाट बाट से मिलेगा, ऐसा सुख ठाट बाट में सुख नहीं है। सुख जो है वो हमें लगता है कि इसमें सुख है, पर वस्तुतः वो सुख न होकर के वो एक तरह का आभास मात्र होता है कि सुख जो है वो उनमें नहीं है। सुख जो है अंदर की वृत्ति है, और आनंद जो है वो अंदर की वृत्ति है, वो मन की वृत्ति नहीं है। और हम मन के कारण हम तरह तरह के जो पाश्चात्य ज्ञान परंपरा में जाते हैं, तो हमने बहुत से अपने कोशिश की कि हम जीवन को बड़ा ऊंचा कर लेंगे, पर जितना हम ऊंचा करने की जा रहे हैं उतना ही उसमें नए नए समस्याएं आती है, नए नए उसमें पतन आते हैं, और हम एक तरह से उसमें हमारी जो वासनाएं जो हैं वो वासनाएं और भावनाएं जो है हमें दूषित करती हैं, और हम दूसरों को दुखी भी करने लग जाते हैं। हम ज्ञान को दूसरों को दुखी करने में प्रयोग करते हैं, और इस तरह से विज्ञान का जो प्रयोग अलग हो जाता है। विज्ञान एक तरह से मनुष्यता की सहायता कर रहा था, और वो एक तरह की उस रूप में चला गया कि वो कई जगह उसने तरह तरह के संकट भी पैदा किए। भारतीय दृष्टि का जो ज्ञान था वो एक तरह से दोनों से, प्रकृति से और पुरुष से, दोनों इनके मूल तत्व थे वैदिक दृष्टि में, प्रकृति और पुरुष का सामंजस्य लेके चलता था। वो ज्ञान किसी को बिगाड़ नहीं रहा था, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, और इस तरह से वो ज्ञान था वो हमें एक जीवन का एक अलग रास्ता दे रहा था। तो इस तरह से इस दो बात है कि ज्ञान की समस्या एक तो एक भाषा की समस्या, और एक जो समस्या थी इसमें कि भाई एक पदार्थ की समस्या, इन तीनों पर जो बात थी वो मैंने इसको एक तरह से संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखी। और इसमें जो भी आप हैं इस चर्चा में, मैं चाहता हूं कि इसमें एक चर्चा हो, और हम इन विषयों को अलग से चर्चा करें कि भी ज्ञान, इच्छा, द्वेष और प्रकृति की जो भी चीजें हैं उन चीजों को हम किस तरह से आगे लें और किस तरह से एक चिंतन को बढ़ाएं, क्योंकि जो चिंतन जो है वो क्या चीज है। इसमें आशुतोष जी ने बात कही कि कर्ता भाव और ज्ञाता भाव और भोक्ता भाव, तीन भावों में चिंता हुई कि मैं कर रहा हूं तो लगता कि मैं हर कार्य को करता हूं, जो भी मेरे द्वारा किया गया उसके लिए मुझे जिम्मेदार होना पड़ता है, उसके लिए मुझे अच्छा करता हूँ पुरस्कार मिलता है, बुरा करता हूँ दंड भी मिल सकता है। इस तरह से तो हम लोग, हम ये कर्ता भाव जो है
एक तो कर्ता भाव में करता हूँ, दूसरा जो कहना चाहते हैं कि भी एक मैं ज्ञाता हूँ कि मैं जानता हूँ, जिसको मैंने प्राप्त किया उनको मैंने जाना है और मैं जानता हूँ कि ये है इस तरह से मैं एक जाता हूँ जानता हूँ। तीसरा भाव भोक्ता कि मैं इनका उपभोग कर रहा हूँ। तो तीन भाव की चिंता होगी, मैं करता हूँ, जो लोग ज्ञान को गुण मानेंगे वही कर्ता समझते हैं, बाकी जो वेदांत के लोग कर्ता नहीं मानते, वो कहते हैं कि मैं कर्ता नहीं, कर्ता तो परमात्मा ही है, कर्ता हम लोग नहीं है। और हम तो क्योंकि किसी भी कार्य के तीन लोग है, चार लोग होते हैं कर्ता, कर्ता भी चार तरह के हो सकते हैं, एक तो करने वाला व्यक्ति, एक उसका प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता, और एक होता है कि जो करने वाला यानी अध्यापक जो है वो पढ़ा रहा है तो वो भी एक कर्ता है, वो कार्यता कहलाता है, वो कर्ता की जगह कार्यता कहलाता है। तो एक तो करवाने वाला, एक करने वाला, एक साथ मिलकर करने वाला, सहयोग करने वाला और एक अनुमोदन करने वाला, तो कर्ता के हम चार भेद करते हैं। तो कर्तव्य तो चार तरह का हो सकता है कि मैं कर रहा हूँ, कोई मेरे से करवा भी रहा है, बच्चा पढ़ता है तो कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, पर असल में उसके माता पिता कहते हम पढ़ा रहे हैं, कौन सही है? तो दोनों ही सही है, माता पिता भी पढ़ा रहे हैं इसको, बच्चा भी पढ़ रहा है, अध्यापक है, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, सब अपनी अपनी भूमिका रखती है। तो कर्म जो है उस क्रिया की व्याख्या करते हैं व्याकरण में, तो कहते हैं क्रिया जो है मूल तत्व है, सभी दर्शनों का जो मूल तत्व व्याकरण का मूल तत्व क्रिया था, कि हम क्रिया की बात करें, हम ज्ञान की कम करें, क्रिया को हम समझ लेंगे तो ज्ञान भी हमारे समझ में आ जाएगा। क्रिया पक्ष जो है इसका, कि क्रिया में कर्ता क्या कर रहा है, क्रिया क्या कर रही है, कर्म क्या करें, तुम कारक करते हैं, संपदान क्या कर रहे हैं, किसके दे रहे हैं, किसके ले रहे हैं, ये जो कारक पक्ष जो है वो इस क्रिया की व्याख्या करता है, तो कर्तृत्व भाव की व्याख्या करता है। ज्ञाता पक्ष की व्याख्या जो है न्याय अलग से करेंगे, वो अलग करेंगे, और भोक्ता की व्याख्या सांख्य दर्शन करता है। पर एक और भी इसमें वैदिक व्याख्या में थी कि हम वाक की बात करते हैं, कि भाषा में वाक होती है तो एक विचारने की शक्ति होती है, ज्ञान केवल प्राप्त होता ये नहीं है, हम अंदर ज्ञान को लेकर के हम उसमें विचार भी करते हैं, और उस ज्ञान को हम विचार करते हैं, ये मनन करते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये एक अलग रूप है, ये रूप मनुष्य में होता है, मशीन में ये रूप नहीं हो सकता है। मशीन में ज्ञान तो हमने दे दिया कि जो ज्ञान मनुष्य में था, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, वो कैलकुलेटर करने लग गया, मोबाइल ही बहुत कुछ जानकारियां देने लग गया, पर वो अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनमें इच्छा भाव नहीं है, तो इसमें इच्छा नहीं है और उनकी इच्छा ही नहीं होती, उनको आदेश दिया जाता है पालन कर सकते हैं। तो मशीनें भी ज्ञान को आजकल एक इंटेलिजेंस जो है, जो कृत्रिम मेधा कहलाती है, कृत्रिम बुद्धि बना दी गई और वो मशीन में भी हम बना चुके हैं, किंतु उनमें वो ज्ञान जो मनन करके और जो निर्णय करने की क्षमता, सत्य असत्य को समझने का जो विवेक है, वो विवेक ज्ञान नहीं है, इसे वो कहते हैं वाक तत्व है, विचारणीय तत्व है। तो मनुष्य में सबसे अधिक यही तत्व है, तो यही तत्व मनुष्य के मनुष्य को विकसित करने में, मनुष्य को उत्कृष्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये जो ज्ञान का जो पक्ष है, ज्ञान के कुछ पक्ष जो थे मैंने थोड़े थोड़े पक्ष आपके सामने रखे, और इस तरह से मैं सोचता हूँ मेरा समय हो गया होगा, और इसलिए अब जो भी आप इसमें आप लोगों ने ध्यान से सुना उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और जो भी आप इसमें बात रखेंगे उस बात पर फिर हम कुछ चर्चा करेंगे जो विषय छूट गए हों। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार, और इस बात के लिए विशेष आभार कि आपने मेरे इस निवेदन को ध्यान में रखा कि हमारे साथ संस्कृत और नॉन संस्कृतिस्ट लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनको ध्यान में रख करके जो भाषा का आपने प्रयोग किया जिससे कि संस्कृत की बात सहज रूप में सभी तक पहुंची, और जो हमारी परंपरा में जिस तरह से ज्ञान को देखा गया है, समझा गया, भाषा और ज्ञान के संबंधों की व्याख्या की गई है, उसको आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से और दार्शनिक तत्वों को भी ध्यान रखते हुए आपने जो प्रस्तुत किया है वो वाकई प्रशंसनीय है और अभिनंदन के योग्य है। बीच में मैंने एक तो एक प्रश्न भी डाला था, इससे पूर्व कि मैं कोई और बात करूं, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, लिंक मैंने डाल दिया है, तो सर्टिफिकेट के लिए आप उसको भर दीजिए बेशक, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाप्ति से पहले जब हम समाप्त करें तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ी देर रुकें, क्योंकि मैं एक दो बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा बाद में, लेकिन अभी जो विषय से संबंधित बात है डॉक्टर साहब, एक मेरा अपना भी प्रश्न है, और उस प्रश्न क्या है वो समस्या नहीं मैं सुलझा पाता हूँ, कि जो बुद्ध्यर्थ है और जो वस्त्वर्थ है इसके इसकी जो आपस की समस्या है, आप समझ गए कि ये बहुत टेढ़ा सा प्रश्न है कि बुद्ध्यर्थ और जो वस्त्वर्थ है उसको उसकी समस्या को कैसे सुलझाएं, और भाषा वहां पे
पर्याप्त नहीं बैठती, जब बुद्धिस्ट अलग तरीके से बात करने लगते हैं और जैन मतावलंबी बिल्कुल ही एक अलग पक्ष से दृष्टि रख देते हैं वहां पे एकांतवाद से, तो ये मतलब इस समस्या को कैसे सुलझाए, क्या करें इसका मतलब? हाँ, आप स्पष्ट करें। हाँ मैं करता हूँ। ये समस्या जो थी इसी पर मैंने पीएचडी की थी, मेरा जो व्याकरण में मैंने शोध प्रबंध लिखा इसी विषय पर लिखा था, तो मुझे मेरे गुरु ने यही समस्या दी थी कि शब्द और अर्थ और उनका जो संबंध है वो व्याकरण दर्शन में किस तरह से देखते हैं। तो इसको मैंने पूरी परंपरा को मैंने देखा कि भाई शब्द और उनका संबंध जो है, और उसमें जो बुद्धर्थ कहते हैं कि जो वस्तुअर्थ जो है वो कहते हैं व्याकरण में वस्तु का अर्थ नहीं होता, वस्तु का व्याकरण है वस्तु अर्थोन अर्थ है, तो वस्तु का अर्थ अर्थ नहीं है, हमारा अर्थ तो उस वस्तु से जो समझते हैं ज्ञान से समझते हैं वो अर्थ है। ये जो ये समस्या जो है इस पर व्याकरण दर्शन पर मैंने काम किया था। व्याकरण दर्शन में ये बौद्धार्थ और बाह्यार्थ दो अर्थ मानते हैं कि अर्थ बाहर है हमारे से या हमारे अंदर है। तो जो बौद्ध लोग और वेदांत लोग मानते हैं कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है, बाहरी जो दुनिया है वो तो उसकी से मिलती जुलती है इसलिए मान लेते हैं। जैसे मैं कोई वाक्य कहता हूँ कि अंकुर उत्पन्न हुआ, अंकुर जायते, अंकुर यानी पौधा लगा, इसमें ये जायते क्यों कहा गया और अंकुर क्यों कहा गया? या मैं कहता हूँ अंकुर, या मैं कहूँ घड़ा नहीं है, तो घड़ा नहीं है में समस्या ये है कि न और है दो का उपयोग है भी और नहीं भी। तो कहते हैं कि ये अगर बाहरी अर्थ मानते हैं, अगर हम बाहरी अर्थ मानते हैं कि बाहरी वस्तु ही अर्थ है घड़े का, तो घड़ा नहीं है, इसमें दो शब्द है और नहीं है, है भी नहीं भी, तो ये क्या अर्थ है? अगर हम कहते हैं घड़ा है, अब घड़ा है तो घड़ा करने से काम चले है का उपयोग क्यों किया जा रहा है? खाली घड़ा ही कह दो और सत्ता का बोध हो जाना चाहिए। तो कहते हैं इसलिए बुद्धि में अर्थ है, ऐसा एक मत भर्तृहरि ऋषि शुरू हुआ। भर्तृहरि ने इसे वाक्यपदी के तृतीय कांड में संबंध समुद्देश में इसकी चर्चा की कि ज्ञान अर्थ दो तरह का है, एक बुद्धि का अर्थ अलग है और एक बाहरी अर्थ अलग है। बाहरी अर्थ जो है वो खाली प्रत्यक्ष होता है, इसका केवल प्रत्यक्ष कर सकते हैं क्योंकि बाहर है, पर बुद्धि में जो चलता है वो तीनों काल का है। वो कहते हैं व्यपदेश पदार्थानाम अन्ना सत्योपचारी की सा गेया सर्वासु वस्तासु आत्म रूप से दर्शिका। हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं उन विचार में भूतकाल भविष्यकाल सब पीछे भी जाते हैं, आगे भी जाते हैं, आगे कल क्या करना ये भी हम सोच सकते हैं, पीछे क्या हुआ ये भी हमें याद आता है। वो तीनों काल की सत्ता से बौद्ध सत्ता को करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बौद्ध सत्ता है और एक बाहरी सत्ता है। अब व्याकरण इसको क्या मानते हैं, इस पर मैंने अपना शोध कार्य लिखा था और मैंने कहा कि मैंने इसको व्याकरण मत में देखा, सभी मतों में देखना नहीं था कि व्याकरण न्याय मत और मीमांसा में मैंने देखा कि वो क्या मानते हैं। तो वो लोग बौद्धार्थ को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं बौद्धार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसमें चार तर्क हैं बौद्धार्थ को नहीं मानने के पीछे। एक तो पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि का महावास है, इनमें समुच्चय में अर्थ क्या है हमने इसको चेक किया कि एक एक सूत्र में जाके जहां भी अर्थ शब्द का प्रयोग पाणिनि ने किया तो उन्होंने कहा कि अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा प्रधान प्रत्यर्थ वचनम अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्, कि व्याकरण वाले अर्थ की बात नहीं करते क्योंकि अर्थ तो दुनिया जानती है, शब्द का जो प्रयोग कर रहा है उसका अर्थ जानता ही है। तो लोकतो अर्थ प्रयुक्त, लोक में भाषा चल रही है, भाषा हम बना रहे हैं, तो लोक में दुनिया इस अर्थ में प्रयोग कर रही है, वो तो दुनिया कर रही है, वो कोई व्याकरण शास्त्र नहीं कर रहा इसका प्रयोग, व्याकरण शास्त्र केवल प्रयुक्त शब्दों की व्याकरण बना रहा है। इसलिए कहते हैं अर्थ जो भारी प्रमाण से चलेगा, उसमें कौन भारी प्रमाण होंगे, तो उसका प्रमाण निरुक्त भी करेगा, उसको अलंकारिक लोग भी करेंगे और अलग करेंगे। तो पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी के सूत्रों में 115 बार अर्थ शब्द का प्रयोग किया, एक एक को मैंने देखा तो उसमें कहीं भी बौद्धार्थ नहीं दिखा। पतंजलि को जब अध्ययन किया, महाभाष्य के 85 अनेक हैं, मैंने एक एक को पढ़ा और उसमें देखा कि अर्थ के बारे में पतंजलि क्या कह रहे हैं, तो पतंजलि ने इसमें कहा कि अर्थ तो बाहरी है, वो कहते हैं बाह्य अर्थ है कि जैसे हम एक वाक्य बोलते हैं दही लाओ, तो दही लाओ और दही लाया जाता है और दही खाया जाता है, तो जो खाया गया वही अर्थ है, दही आसान इसी दही, तो दही दही लाओ ये सुन करके एक शब्द सुन करके उसका अर्थ का प्रयोग होता है, तो वो जो लाने वाली जो चीज है वो बाहरी है, बुद्धि वाली दुनिया कोई नहीं है, वो क्या बुद्धि में कोई दुनिया नहीं है जो बौद्धों ने कल्पना की और या भर्तृहरि ने इसका प्रयोग किया उपचार सत्ता के नाम से, कि बौद्धिक सत्ता और बाह्य सत्ता दो शब्दों की अर्थ की सत्ता मानी, तो उसको बाद में भर्तृहरि ने अंत में कह दिया कि नहीं दोनों ही सत्ता है, खाली बाहरी सत्ता मानने वाले भी हैं दुनिया में, वो कहते हैं कि संसार का व्यवहार बाहरी सत्ता से भी हो जाएगा, बाह्य से ही हो जाएगा, बुद्धि की माननी है। पर नागेश भट्ट ने एक पुस्तक लिखी
जी 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 हाँ, तो नागेश हाँ बताएं आप लघुमंत साहब, उन्होंने प्रश्न। लघुमंत साहब उन्होंने एक प्रकरण लिखा बौद्ध भारत प्रकरण, तो उन्होंने लिखा कि सत्ता तो अर्थ की बुद्धि में ही होती है, एवं सक्यो अर्थ है बुद्धि सत्ता अविष्ट न बाह्य सत्ता अविष्ट है, तो वो मानते हैं बुद्धि अर्थ। तो मैंने उसका फिर खंडन लिखा और हमने चेक किया कि जो बात वो कह रहे हैं वो वेदांत से सही हो सकती है, सेविज्म से सही हो सकती है, और व्याकरण दर्शन जो है भाषा के दर्शन को अनिवार्य नहीं है मानना, क्योंकि भाषा तो सबकी है, वेदांतियों की भाषा की व्याख्या अलग तरह की होगी, पर जो सामान्य मनुष्य है उसके लिए भाषा में बौद्धार्थ मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बौद्धार्थ एक तरह से ज्ञान का ही नाम है, उन्होंने ज्ञान के जगह बौद्धार्थ का प्रयोग कर दिया। और उसमें मैंने तो 5 अध्याय लिखे थे, एक में लिखा कि पाणिनि ने कहीं ऐसा उल्लेख नहीं किया बौद्धार्थ, पतंजलि ने भी कहीं ऐसा नहीं किया, पतंजलि ने हमेशा अर्थ को बाहर माना, और बस उदाहरण दिए मैंने। और 3rd अध्याय में मैंने लिखा कि भत्रेरी दोनों मान रहे हैं कि अर्थ बुद्धि में भी है और अर्थ बाहर भी है, खाली संबंध समुदेश में उन्होंने इसकी विस्तृत चर्चा की, पर भत्रेरी ने अंत में कह दिया कि दोनों पक्ष हैं, कि आप एक मान लीजिए, क्योंकि भत्रेरी बहुत से पक्ष रखते हैं, जितने भी उसमें के विवाद थे दार्शनिकों के उन्होंने रखे कि एक बौद्धार्थ मानने वाले हैं, एक बुद्धिर्थ मानने वाले हैं, एक दोनों मानने वाले, एक नहीं मानने वाले। तो जो बौद्ध लोग अपोहवादी लोग हैं वो अपोहवादी की जो दृष्टि है उस दृष्टि से बौद्धार्थ और बाह्यार्थ की जो बात है तो वो कहते हैं, वो मानते हैं कि बुद्धि में अर्थ बाहर कुछ नहीं है, तो वो ऐसा जो विज्ञानवादी हैं, बौद्धवादी हैं, वेदांती वो लोग मानते रहे, पर उन्होंने उसको दोनों पक्ष रखे। बाद में जितने भी वैयाकरण हुए कैयट और आदि नागेश को छोड़ करके, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया कि बौद्धार्थ है, कहीं उन्होंने नहीं लिखा बौद्धार्थ है। और शब्दकौस्तुभ एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने भट्टोजी दीक्षित ने लिखा कि देखिए ये जो बौद्धार्थ है या शब्द ब्रह्मवाद है, हम इस व्याकरण वाले इस पर चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये उपनिषदों की ओर ले जा रहा है, ये साधना की ओर ले जा रहा है, हमारा काम भाषा का विश्लेषण करना है, न कि हमें परम ज्ञान चाहिए, हमें परम ज्ञान की बात नहीं कर रहे इसमें। इसलिए वो कहते हैं कि ये ऐसी बात है कि जब हम साधना में जाएंगे तो ये काम आएगी, ये संसारिक भाषाओं में संसार की जितनी भाषाएं हैं उनमें आप कहोगे कि सब सब में इसमें परम ज्ञान की बात है तो वहां वो बातें नहीं मिलेंगी और वो परमात्मा की ओर ले जाने वाली बातें नहीं मिलेंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि इस ज्ञान को हम छोड़ दें और हम तो यही करें, खाली शब्द विचार आया प्रवृत्त सन, कि हम शब्द के विचार के लिए आए थे, हम शब्द का जो विचार है वही करें और अर्थ को भी हम छोड़ दें, दुनिया उसको समझती है जिस अर्थ में समझे, हम जो तरीका बताते हैं और कहें हम इसमें अद्वैत में उपनिषदों में और इनमें नहीं जाएंगे और वो उसमें नहीं जाते हैं। नागेश भट्ट जो थे वो तांत्रिक भी थे और उन्होंने इसको फिर उल्लेख कर दिया कि नहीं हम तो तांत्रिक हैं और हम आगम से प्रमाणित करते हैं, तो आगम की जो दृष्टि है वो एक अलग दृष्टि है, और उन्होंने जब जगत की व्याख्या की तो उन्होंने फिर बौद्धार्थ को स्थापित कर दिया कि बुद्धि अर्थात सब कुछ बुद्ध है और संसार भी बुद्धि में है, ज्ञान के अलावा संसार क्या हो सकता है, तो संसार की सत्ता जो बौद्धार्थ है। इस तरह से हमने उसका फिर मीमांसा में देखा और न्याय में देखा, तो न्याय मीमांसा दोनों ही बौद्धार्थ को नहीं स्वीकार करते, न तो कुमारिल भट्ट स्वीकार करते हैं और न न्याय वाले स्वीकार करते हैं। इस तरह से हम ये निष्कर्ष निकाला कि भी इसमें बौद्धार्थ को हम इसलिए नहीं मानते व्याकरण परंपरा में कि भाई पाणिनि और कात्यायन पतंजलि ने इसकी व्याख्या नहीं करी है, और दूसरी जो इसमें शब्दकौस्तुभ में और खाली शब्द भर्तृहरि और दो भर्तृहरि और नागेश भट्टी दो इसकी व्याख्या करते हैं, इनका मत वेदांत की दृष्टि से सही हो सकता है पर हम इसको अनिवार्य नहीं मानते कि हमें भाषा के विशेषण को इसको मानने की जरूरी है। जो लोग वेदांत के दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि वो संसार को नहीं मान रहे तो उनके लिए बाह्यार्थ क्यों होगा, बाह्यार्थ को मानते संसार में फंस जाते हैं कि संसार होगा। इसलिए इसका जो निष्कर्ष था कि भी उसमें जो युक्तियां हैं वो युक्तियां साधना परक युक्तियां हैं, परा प्रशांति मध्यमा बेखरी, तो उस पर व्याकरण ने उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए इस तरह से मेरा निष्कर्ष था, मैंने आपके सामने रखा और बताइए। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, लेकिन जितने भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उनकी रुचि के लिए और केवल एक दिशा मात्र के लिए दो प्रश्न मैं रख रहा हूं डॉक्टर साहब के सामने, और फिर यदि आप में से किसी की कोई टिप्पणी हो तो वो आप सांझी कर सकते हैं या कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। पहली बात है कि इस भाषा से हमें अभाव का ज्ञान कैसे होता है, हालांकि वो प्रक्रिया वैशेषिक दर्शन में वो कहते हैं, लेकिन वो अभाव या अनंतता इसका जो ज्ञान है वो कैसे होता है, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, और दूसरा अभाव नॉन एग्जिस्टेंस का जो पता लगना है वो कैसे होता है, और पर्टिकुलरली जब आप साइंस के क्षेत्र में जाने लगते हैं और जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज या वो ब्लैक होल्स की बातें आती हैं, वहाँ पर आकर के भाषा जो है वो किस तरह से अपने में उलझती है, ये भी एक विचार का विषय है।
नंबर दो जो प्रश्न मेरा रहेगा केवल रुचि के लिए आपके, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत सा ये विषय है सारा। दूसरा विषय ये था कि ये जो वस्तुअर्थ और बुद्ध्यर्थ की बात कर रहे थे, बोधार्थ की, उसमें जब आप सोशल साइंसेस के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्टिकुलरली जो शब्द मिलते हैं, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम, इन शब्दों के अर्थों को कैसे आप स्पष्ट करेंगे? जब आप फ्रीडम का अर्थ स्वतंत्रता करते हैं तो स्वतंत्रता जो है वो कर्ता के संदर्भ में, कर्ता के अर्थ में तो आपको अर्थ उसका समझ में आएगा, लेकिन जब आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थ में करने लगेंगे तो अभी तक तो मुझे किसी सोशल साइंटिस्ट का कोई अर्थ समझ में आया नहीं स्वतंत्रता का, और ना इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी, जबकि शब्द भी ये बड़े धड़ल्ले से प्रयोग होते हैं दूसरे को हिट करने के लिए, विवादों में इनका ही प्रयोग किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये दो प्रश्न, इसके ऊपर बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी अगर डॉक्टर साहब चाहें तो कर सकते हैं, या आप में से भी कोई करना चाहे तो बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय लगभग हमारा हो रहा है। मैं करूं सर जी, एक संक्षिप्त सी टिप्पणी आप कर दीजिए और फिर उसके बाद। आपने जो पहला पूछा कि अभाव का ज्ञान कैसे होता है, तो अभाव का जो ज्ञान है वो विशेषण विशेष भाव से होता है कि कौन सी वस्तु है मैं तो वस्तु दिख जाती है। मान लीजिए मेरे टेबल पर दो सामान है वो दिख रहा है मेरे को, और कौन सी वस्तु मेरे टेबल पर नहीं है ये भी दिखती है। जैसे इस टेबल पर मान लीजिए घड़ा नहीं है तो दिखता मेरे को, क्योंकि टेबल तो दिखती है। तो अभाव का जो ज्ञान है वो एक अलग तरह का ज्ञान है। उन्होंने कहा कि अभाव में विशेषण और विशेष होते हैं, तो जो टेबल है वो दिखती रहती है। मैं कहूँ कमरे में साइकिल नहीं है तो कमरा तो देख सकता हूँ मैं, तो कमरे में साइकिल नहीं है ज्ञान मुझे प्रत्यक्ष हो जाता है, पर होता है विशेषण विशेष भाव में। क्या क्या है वो तो वस्तु दिख जाएगी और वस्तु से मेरा साक्षात में देख लेता हूँ, पर क्या क्या नहीं है इसका ज्ञान भी मुझे हो जाएगा, क्योंकि वो किसमें नहीं है। इसके साथ में जब भी भाव का हम प्रश्न करें तो ये प्रश्न उठेगा किसमें क्या नहीं है, तो किसमें का जो ज्ञान है वो किसमें कोई ना कोई एरिया होगा, उस एरिया में ये चीज नहीं है। मैं कहता हूँ साइकिल नहीं है तो साइकिल कहाँ नहीं है, तो फिर कमरे में नहीं है। इस तरह से उन्होंने कहा कि अभाव के लिए उनका कि अभाव का हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और खाली विशेषण विशेष पूर्वक कर लेंगे। हम अनुपलब्धि को नहीं मानते, मानसा की जो अनुपलब्धि है उसको नहीं मानते। दूसरा आपका था कि जो जो हमारे संप्रदाय है कि भाई स्वतंत्रता है, एकता है, इनको आप व्याख्या कैसे? इक्वालिटी न्याय में क्या है कि न्याय, इन्होंने न्याय ने कहा कि देखिए हम जब भी पदार्थ करते हैं तो पदार्थ में दो चीजें होती है, एक सामान्य और एक विशेष। तो विशेष होता है जो एक व्यक्ति में हो, सामान्य अनेक में होता है। तो जो चीज अनेक में मिलती है उसी को हम सामान्य कहते हैं कि नित्यम एकम अनेकानुगतम, कि जो अनेक लोग में जो मिलती है वो उसकी सामान्य बात है। नित्यम एकानुगतम सामान्यम, तो सामान्य जो है वो सामान्य भी उसमें होता है कि जैसे हम घड़ा देख रहे हैं सामान्य भी है, दोनों चीज दिखती है। मनुष्य जो मनुष्य तो है उसकी हम जो व्याख्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या तो हम कर सकते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। बौद्ध माने के लिए बौद्ध इसी तरह जो स्वातंत्र का भाव है तुम तक से अपने तंत्र में रहे या सब तक आप मुक्त हैं, और इसको न्याय ने सामान्य के आधार पर किया। चूंकि सामान्य को बौद्ध लोग मानते नहीं थे कि सामान्य नाम की कोई चीज है, क्योंकि सामान्य जो है वो नित्य होता है। ये चीज को नित्य मानते हैं कि जैसे वो मानते हैं कि घड़ा नित्य नहीं है पर घटत्व नित्य होता है। बौद्ध जो है गाय संसार में अगर एक भी गाय है तो बौद्ध रहेगा, तो वो कहते हैं सामान्य जो है वो नित्य है, और वो नित्य नहीं, व्यक्ति नित्य नहीं है पर जाति उसकी नित्य होती है, आकृति उसकी नित्य होती है। इसलिए न्याय दर्शन ने इसका बड़ा उत्तर दे दिया कि भी जो भी इसमें इंसान जो मरता है जीता है, उसका एक जन्म हुआ मरण हुआ, पर इंसानियत न तो जन्मती है न मरती है, वो अमर है। वो अमर होने से, वो नित्य होने से उसका एक नित्य ज्ञान है। और इसमें जो अनेकता है, अनेकता में एकता, तो सब मनुष्य अलग अलग है पर फिर भी हम जब मनुष्यों को देखते हैं तो लगता है ये सब एक ही चीज है। हम एक मनुष्य को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, तीसरे को देखते हैं तो लगता है ये एक ही है। इसमें जो एकता की बोध है उस बोध से हम इनको सबको हम व्याख्या कर सकते हैं, और ऐसा मैं समझता हूँ। जी जी धन्यवाद सर। ये केवल एक जिज्ञासा की दृष्टि से प्रश्न था, लेकिन बहुत खूबसूरत और बड़ा स्पष्ट उत्तर जो है डॉक्टर साहब की, जो दार्शनिक स्पष्टता वो आप सभी ने देखी होगी। बीच में एक हाथ जो है वो सिंबल के रूप में खड़ा किया गया है, नाम मुझे नहीं मालूम लेकिन गैलेक्सी के नाम से वो बीच में है,
गैलेक्सी A51। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए या कोई टिप्पणी है तो, और उसके बाद फिर हम इसको समापन करेंगे और एक दो एक तीन बातें आप लोगों के साथ शेयर करके इसको मीटिंग को हम क्लोज डाउन करेंगे। गैलेक्सी के नाम से जिनका भी है कनेक्ट, मेरी जिज्ञासा ये थी कि शायदवाद का जो सिद्धांत है ये मूल रूप से हिस्ट्रिकली जैनिज्म से आया है या वेदांत से आया है? डॉक्टर आपसे है, मेरे को बोलना है। अरे शायदवाद का जो सिद्धांत है ज्ञान एकांतवाद का, ये मूल रूप से वेदांत से आया है या जैनिज्म से आया है? ये सिद्धांत जो है ये मूलतः वेदों से आया है और वेदांत से नहीं आएगा। वेदांत में एकवाद है, वेदांत एक मानता है, अनेक की बात नहीं करता। वो कहता है सब कुछ एक है, सब ब्रह्म के अलावा दूसरी चीज है ही नहीं। तो वेदांत में अनेक की बात नहीं हो सकती। अनेक की बात जो है न्याय दर्शन और इनमें ही है। नानात्व की बात जो है वो कहता है नानात्व चिंतन है, अनेकता तो हो ही नहीं सकती है, सब में हम एकता को ढूंढ रहे हैं। वेदांत की दृष्टि में सब कुछ एक है, उसमें एक अभेद दृष्टि देख रहे हैं। और ये दृष्टि जो है न्याय की जो दृष्टि है या जैनियों की दृष्टि है, जैनियों की जो साधवाद है वो उन्होंने माना कि सत्य जो है वो कई रूपों में होता है और वो सापेक्षिक सत्य होता है। साध का अर्थ यहाँ शायद से नहीं, इसका अर्थ है कि किसी तरह से। तो किसी तरह से हर बात को मैं कहता हूँ किसी दृष्टि से सही है, किसी दृष्टि से गलत ठीक है। तो उन्होंने साध के सप्तभंगी न्याय दिया। तो जैन दर्शन की जो दृष्टि है कि हम साध उसके रूप मानते हैं कि है किसी दृष्टि से है, किसी दृष्टि से नहीं है, किसी दृष्टि से दोनों है। तो ये हमारा उनका कहना कि विवाद को खत्म करने के लिए हम ये मानते हैं कि हम सबको सभी पक्षों को मान ले और हमें ये मान के चलना चाहिए, फिर हम लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो हम संसार में झगड़ा यही रहा कि मैं सिर्फ वो गलत। तो ये झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि शादवाद वेदों में, जैसे मैंने व्याकरण में कहा कि व्याकरण भी कह रहा है कि सर्व वेद पारिषदम, कि हमें अनेक रास्ते मानने ही पड़ेंगे, कितनी शाखाएं हैं, एक वेद होते हुए अनेक वेद मानेंगे तो फिर हमारा वेदों में भी ऐसा नहीं कि शादवाद से शुरू होते हैं, ये वैदिक सिद्धांत भी है। वेदों में अनेक दृष्टियां हैं, उसमें एक दृष्टि ये भी है। ठीक है सर, ये एक प्रश्न ले लेते हैं गैलेक्सी के नाम से जो भी है। धन्यवाद डॉक्टर। मैडम आप कुछ कहना चाहते हैं? गैलेक्सी A51 आपने अनम्यूट भी किया हुआ है, यदि है तो, नहीं तो फिर हम समापन की ओर चलें। चलिए नहीं अभी कोई है प्रश्न। मैडम उमा जैन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो स्यादवाद और अनेकांतवाद है ये जैन दर्शन से आया है, क्योंकि वो किसी चीज के लिए ये नहीं नियम बनाता कि यही है, बल्कि क्योंकि हर एक व्यक्ति की दृष्टि में एक ही चीज अलग अलग रूप में हो सकती है। तो ये मेरे विचार से बौद्ध दर्शन से ना होकर जैन दर्शन से है, ये कंफर्म नहीं है। हाँ, नहीं, नहीं, ये तो वो कह ही रहे हैं ये मैडम। जी जी डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ स्यादवाद जो है ये वेदों में मिलता है, ऐसा नहीं कि वेदों में कहते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि वो माया है, शक्ति है, वो एक भी है अनेक भी है, वो अजा है अनजा है। तो वो कहते हैं कि ये दृष्टि तो वैदिक दृष्टि है शुरू से ही, कि वो कहते हैं कि एक भी है अनेक भी है, और वो जन्मता भी है। गीता में कहते हैं कि वो परमात्मा अज भी है और जन्म भी लेता है, वो हमेशा रहता है, नित्य भी है, उसका जन्म होता अवतार होता। तो ये जो दृष्टि वैदिक दृष्टि में है, और जैन दर्शन के जो सिद्धांत है वो भी महाभारत में हम कई उदाहरण देखते तो जैन को कहने के जैन को हमने अलग कर दिया कि हम अलग मान लगे, किसी भी मत माने वो वैदिक दृष्टि का सम्मान करती है। महाभारत में जितने भी लोगों ने जो बौद्ध दृष्टि आई तो उसको रखा बहुत, मैंने ऐसा देखा कि बहुत से महाभारत के श्लोक वैसे कैसे धर्मपद में आ जाते हैं, महाभारत के श्लोक मनुस्मृति में आ जाते हैं। तो सभी परंपरा में उन्होंने जो क्योंकि तत्व तो वेद ही तरह परंपरा है और वहीं से दृष्टि आई है। जी